Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel. Faisal Ahmed here again. Well, कुछ दोस्तों ने request की थी कि आप during installation भी जो है वो एक छोटी वीडियो बनाइए जिसमें आप एक्सप्लेन करें कि आप कर किस तरह और क्या कर रहे हैं। ये हम 3.2 किलो का इन्वर्टर लगा रहे हैं मैक्सपावर का। सॉरी 3 किलोवाट का इन्वर्टर है ये, 3 किलोवाट का इन्वर्टर है ये। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिसमें एक पर सोलर है और दो पर वापडा होगा यूटिलिटी। ये हमारा एम्पियर मीटर है जो लोड चल रहा है उसके एम्पियर बताएगा। ऊपर हमारे वोल्ट मीटर है, एक सोलर की वोल्टेज बताएगा आउटपुट के इन्वर्टर है और एक यूटिलिटी का वोल्ट बताएगा। एटी एम्पियर का ब्रेकर हम मिट्सुबिशी का लगा रहे हैं, डीसी ब्रेकर है ये। हम लगा रहे हैं बैटरी बैंक पर, इसमें से फेज देंगे। इसको हमने ऊपर से लूप किया है, जो काम को समझते हैं उनके लिए समझने में आसानी होगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको भी एक्सप्लेन करूँगा कैसा हम क्यों कर रहे हैं। ये हमारी सीटी है जिसमें से लोड की वायर गुजरेगी। ये हमारा डीसी ब्रेकर है स्नाइडर का 1000 वोल्ट 3 एम्पियर जिसमें से हम पीवी उतारेंगे। 1000 वोल्ट चूज़ करने का मकसद ये है कि इसमें जो वोल्ट उतर रहे हैं वो 300+ हैं, डेट्स वाई वी हैव चूज़ इन 1000 वोल्ट ब्रेकर। 40 एम्पियर होंडा है, ये सोलर की आउटपुट पे यूज़ कर रहे हैं हम। और 63 एम्पियर होंडा है, ये हम यूटिलिटी के इनपुट पे यूज़ कर रहे हैं जो हम यूटिलिटी से लेंगे। और इस चेंज ओवर से हम बाईपास भी कर सकते हैं यूटिलिटी को और सोलर को। थैंक्स गाइस। और अभी हम इसको मज़ीद इंस्टॉलेशन के बाद इसकी प्रॉपर वीडियो भी डाल देंगे ऑन करने के बाद। अभी ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन की वीडियो है, इस पर हमने 8 सोलर पैनल लगाए हैं जिनको के 330 वाट टियर 1। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।